नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 दिसंबर 2013 को मुंबई में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी है। वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ते रहना, डिवाइड एंड रूल करना, ये कांग्रेस की विशेषता है। भाइयों बहनों, शायद मुंबई के इतिहास में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य इसके पहले किसी को नहीं मिला होगा। जहां तक नजर पहुंच रही है, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उन सभी कार्यकर्ताओं को अनेक अनेक अभिनंदन दे करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को साकार करने के लिए जी जान से कोशिश की, सफलता पाई और एक अभूतपूर्व विश्वास के साथ परिवर्तन का संकल्प लेकर के यहां से लाखों लोग महाराष्ट्र की गली गली में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम गुजरात वालों के लिए मुंबई ये दूसरा घर है। और मैं तो हमेशा अनुभव करता हूं कि गुजराती भाषा का जितना लालन पालन मुंबई में होता है, ऐसा लगता है मुंबई ये गुजराती भाषा का मायका है। इतना लालन पालन होता है। और वैसे भी 1960 के पहले हम एक ही तो राज्य के हिस्से थे, हम बृहद महाराष्ट्र के हिस्से थे। 50 साल पूर्व हम अलग हुए, महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है, गुजरात छोटा भाई है। लेकिन भाइयों बहनों, जब गुजरात अलग हुआ तब ये चर्चा होती थी कि राज्य प्रगति कैसे करेगा, पानी नहीं है, प्राकृतिक संपदा नहीं है, उद्योग नहीं है और इतना बड़ा रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, तो गुजरात प्रगति कैसे करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम अलग हुए तब कुछ नहीं था, लेकिन आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके सामान्य मानवी का भला हो सकता है, सामान्य मानवी का कल्याण हो सकता है, परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, ये सिद्ध कर दिया है।
भाइयों बहनों, मैं जरा गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ नजर कर रहा था और शायद मीडिया के मित्रों का भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा, मेरा भी नहीं गया था, कल ही मेरे ध्यान में ये बात आई। गुजरात ने भी 1 मई को 1960 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। महाराष्ट्र ने भी 1 मई 1960 को स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। इतने वर्षों में गुजरात में 14 मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाराष्ट्र में इतने वर्षों में 26 मुख्यमंत्री बने। अब बताइए यहां की राजनीति कैसी होगी, यहां के राजनीति के तौर तरीके कैसे होंगे। इतने ही समय काल में गुजरात में सिर्फ 14 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 26 मुख्यमंत्री। एक आता है तो दूसरा भगाने में लगा रहता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र जब तक हम नहीं समझेंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं सूझेगा। मित्रों, देश की समस्याओं का कारण देश की जनता नहीं है, हमारी समस्याओं का कारण हमारी भूगोल नहीं है, हमारी समस्याओं का कारण हमारा इतिहास नहीं है, हमारी समस्याओं का कारण प्राकृतिक संपदा नहीं है, हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं। और इसलिए अगर समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, भारत को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना हमने साकार करना होगा। यही मुंबई की धरती है। आजादी के आंदोलन में अगस्त क्रांति मैदान से एक गुंज उठी थी, एक आवाज उठी थी, एक ललकार हुआ था, क्विट इंडिया। और पूरे देश में वो ललकार मंत्र बन गया था और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई की धरती से उठी हुई आवाज, क्विट इंडिया का मंत्र भारत को आजादी दिला गया। भाइयों बहनों, उसी मुंबई की धरती से फिर एक बार आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस फ्री इंडिया। जिस धरती ने क्विट इंडिया का नारा दिया था वही धरती ललकार रही है, कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। भाइयों बहनों, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ते रहना, डिवाइड एंड रूल, ये कांग्रेस की विशेषता रही है।
और अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते कांग्रेस उनसे ये सीख लिया है डिवाइड एंड रूल। देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा करके भारत मां के तीन टुकड़े कर दिए। आजाद हिंदुस्तान को एक तरफ सरदार पटेल ने एक किया, चारों तरफ एकता का मंत्र गूंजा और दूसरी तरफ भाषावार प्रांत रचना के नाम पर कांग्रेस ने देश में भाई से भाई को लड़ाने का बीज बो दिया। गांव को शहर से लड़ाओ, शहर को गांव से लड़ाओ, नदियों के लिए लड़ो, पानी के लिए मरो। आज भी देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पानी के बंटवारे को लेकर के 50-50 साल से लड़ाई न होती हो। और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को, महाराष्ट्र में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को भाई को भाई से लड़ाने में, गांव से गांव को लड़ाने में, जाति बिरादियों को लड़ाने में, पंथ और संप्रदायों के बीच झगड़ा कराने में उनकी वोट बैंक की राजनीति सुरक्षित रहती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है। भाइयों बहनों, जब तक वोट बैंक की राजनीति से हम देश को मुक्त नहीं कराएंगे और देश को विकास की राजनीति के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा, अपने राजनीतिक दर्शन के द्वारा, अपनी कार्य संस्कृति के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को समर्पित है, विकास की राजनीति को समर्पित है और विकास के बिना देश के गरीबों का, देश के गांव का, देश के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण नहीं होगा। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है। अगर मैं गुजरात की चर्चा करूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं गुजरात की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैं आज मध्य प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। कांग्रेस पार्टी के शासन ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होती थी, लेकिन शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंचाई के काम को बल दिया है।